बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के आदेशानुसार आज पूरे देश में संविधान निर्माता हम सबके मसीहा परम पूज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का 66वें पूर्ण निर्वाण दिवस श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम था और पूरे देश में मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और आज कार्यकर्ताओं ने पूरे जनपद प्रतापगढ़ के लोगों ने परम पूज बाबा साहब के 66वें पूर्ण निर्वाण दिवस पर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है और यहाँ संकल्प लेकर जा रहे हैं कि आने वाले समय में 2022 में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम हम लोग करेंगे। ए भाई, दीवार थोड़ा हटा दे तो हट जाओ। बहुजन समाज पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में किसान आज इस तरह पीटा जा रहा है, नौजवान पीटा जा रहा है। अभी मैं परसों देख रहा था टीवी में, शिक्षक आंदोलन कर रहे थे लखनऊ में और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने उन पर लाठीचार्ज किया। किसान मारे जा रहे हैं, किसान कुचले जा रहे हैं, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं, लैंड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं बचा है उत्तर प्रदेश में। सारे मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और हमें भरोसा है कि जिस तरह 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार जनता ने बनवाने का काम किया था, 2022 में पुनः बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम। भ्रष्टाचार आज हर मामले में हमारे यहाँ देख रहे हैं, गंडा गठा मुक्त की बात करते हैं डिप्टी सीएम और मैं देख रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। इनके गड्ढे भर गए हैं, इनके गड्ढे नोटों से भर गए हैं, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। वसीम रिजवी हिंदू धर्म अपना लिए सनातन धर्म, उसके बाद उन्होंने इस्लाम को आतंकी संगठन बताया। भारत में विभिन्न विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं और बहुजन समाज पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।